नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जाने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के रेट हो गए निर्धारित। बिहार में मरीजों के लिए इंडियन आर्मी बनाएगी फील्ड अस्पताल। राज्य के 1.5 दर्जन से ज्यादा जिलों में अगले 2 दिनों तक आंधी बारिश के आसार। पटना के गांधी मैदान में नहीं होगी ईद की नमाज। देश भर में फिर से मामले हुए 4 लाख के पार। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के रेट हो गए निर्धारित। बिहार सरकार ने महामारी के इस दौर में मरीजों व उनके परिजनों की तरफ से कई शिकायतों के मिलने के बाद राज्य के सभी निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए रेट को फिक्स कर दिया है। इसके तहत सरकार ने मरीजों की स्थिति को देखते हुए इन्हें 3 कैटेगरी में बांट कर इलाज की कीमत को तय किया है और इस कीमत को सभी अस्पतालों में लिए जाए इसके लिए एक टीम का भी गठन किया गया है जो इन सभी निजी अस्पतालों पर नजर बनाए रखेगी। वहीं अस्पताल द्वारा दवा या फिर इलाज की तय कीमत से अधिक लेने की शिकायत मिलने पर उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इसके तहत NABH अस्पतालों में हल्की बीमारी के लिए 10,000 रुपये, मध्यम बीमारी के लिए 15,000 रुपये और गंभीर बीमारी के लिए 18,000 रुपये लगेंगे। वहीं non-BABH हॉस्पिटल में क्रमशः 8,000, 13,000 और 15,000 रुपये। इनमें मध्यम और गंभीर स्थिति वाले को ICU की सुविधा भी मिलेगी। पटना के प्राइवेट अस्पताल के निदेशक को काला बाजारी के आरोप में किया गया गिरफ्तार। सूबे बिहार में कोरोना मरीजों के लिए जरूरी दवा रेमडेसिविर इंजेक्शन की काला बाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकार द्वारा कीमतें तय करने के बावजूद भी कई लोग व कई अस्पतालों में भी मरीजों से बढ़ी हुई कीमतें वसूली जा रही है। इस बीच राजधानी पटना के एक निजी अस्पताल रेनबो अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अशफाक अहमद और उनके साले मोहम्मद अल्ताफ को रेमडेसिविर इंजेक्शन की काला बाजारी करने के आरोप में पुलिस ने धर दबोचा है। ये दोनों ही जुबियार इंजेक्शन को 50,000 रुपये में मरीजों से बेच रहे थे जबकि इसकी असली कीमत महज 3400 रुपये ही थी। बताते चले कि EOU के DSP भास्कर रंजन को कालाबाजारी की सूचना मिली थी जिसके बाद उन्होंने ग्राहक बनकर ये जाल बिछाया जिसमें दोनों ही फंस गए। वहीं उनके बयान पर दोनों पर गांधी मैदान थाना में केस दर्ज किया गया है। बिहार में मरीजों के लिए इंडियन आर्मी बनाएगी फील्ड अस्पताल। देश में हर मुश्किलों में डटकर अपना कर्तव्य निभाने वाली भारतीय सेना अब बिहार की मदद के लिए आगे आई है। बिहार में बढ़ते मरीजों को देखते हुए भारतीय सेना ने राजधानी पटना में 2 फील्ड अस्पताल बनाने का फैसला किया है। इसके लिए आज तमाम सामानों को पूर्वोत्तर से सेना के विमानों के जरिए पटना पहुंचाया गया है। भारतीय सेना के अनुसार इन फील्ड अस्पतालों में चिकित्सा विशेषज्ञ, मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग व सपोर्ट स्टाफ तैनात रहेंगे। इसके अलावा फील्ड अस्पताल में चिकित्सा की अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करने विशेषज्ञ और मेडिकल व नर्सिंग स्टाफ के लिए फौजी स्टाफ को अगले 2 दिनों में विमान से पहुंचाया जाएगा। आपको बताते चले कि दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ और वाराणसी के बाद पटना में भी सेना के डॉक्टर विशेष कोविड अस्पतालों में मदद कर रहे हैं। इसके तहत पटना ESIC में एक 500 बेड अस्पताल स्थापित किया जा रहा है जिसमें 100 ICU बेड की भी व्यवस्था होगी। राज्य के 1.5 दर्जन से ज्यादा जिलों में अगले 2 दिनों तक आंधी बारिश के आसार। सूबे बिहार में इन दिनों मौसम का बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी आंधी बारिश तो कभी मौसम सुहावना हो जाता है तो कई हिस्सों में बढ़े तापमान से लोगों को गर्मी बेहाल कर रही है। वहीं मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक आज राजधानी पटना के तापमान में वृद्धि होने का अनुमान है तो वहीं 1.5 दर्जन से ज्यादा जिलों में आंधी बारिश होने की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक भागलपुर, कटिहार, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई, कलसनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया एवं पूर्णिया में अगले 2 दिनों तक बारिश होने के आसार है। वहीं दरभंगा और मधुबनी में बारिश के साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया है। ऐसे 10वीं बोर्ड के रिजल्ट को लेकर हुई वर्चुअल मीटिंग। देश भर में CBSE बोर्ड ने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 10वीं बोर्ड के रिजल्ट को लेकर देश विदेश के CBSE से संबद्ध स्कूल के केंद्राधीक्षक और निदेशकों के साथ वर्चुअल मीटिंग की जिसमें CBSE ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत CBSE के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कहा है कि अगर किसी स्कूल के बच्चों की ऑनलाइन या ऑफलाइन 10वीं की परीक्षा छूट गई है तो वे जल्द ही ऑनलाइन परीक्षा को लेकर उसका रिजल्ट CBSE को सौंप दें ताकि कोई भी छात्र रिजल्ट से वंचित नहीं हो सके। CBSE ने साथ ही ये भी कहा है कि साइंस, सोशल साइंस और मैथ को मिलाकर भी छात्रों के अंकों की मार्किंग करें। वहीं किसी बच्चे के रिजल्ट जारी नहीं करने पर या इसमें किसी तरह की गड़बड़ी करने पर संबंधित स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इसके साथ ही उनको भारी पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है। कंटेनमेंट जोन की बैरिकेडिंग हटाने के मामले में जदयू विधायक पर केस दर्ज। बिहार में एक तरफ CM नीतीश कुमार सभी लोगों से गाइडलाइंस का पालन करने की अपील कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इनकी ही पार्टी के एक विधायक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पाए गए हैं। दरअसल मामला भागलपुर का है जहां कंटेनमेंट जोन नौगछिया स्टेशन के पास की गई बैरिकेडिंग हटाने के मामले में गोपालपुर से JDU के विधायक गोपाल मंडल पर बीते दिन गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके साथ ही 3 अज्ञात लोगों के विरुद्ध भी इस मामले में नौगछिया थाना में FIR दर्ज किया गया है। दरअसल मंगलवार के शाम विधायक गोपाल मंडल का काफिला स्टेशन रोड से गुजर रहा था, इसी दौरान विधायक ने बैरिकेडिंग हटवा दी थी, इसी मामले में उन पर केस दर्ज किया गया है।
संविदा पर बहाल होने वाले डॉक्टरों के वेतन को किया गया तय। बिहार में वर्तमान में डॉक्टरों की किसी भी तरह की कमी को सरकार द्वारा पूरा किए जाने की कवायद की जा रही है। इस बीच बिहार सरकार संविदा पर डॉक्टरों की बहाली में जुट गई है। इसके लिए जिला स्वास्थ्य विभाग में अस्थायी रूप से 3 कैटेगरी में नियुक्तियां की जाएंगी, जिनमें विशेषज्ञ डॉक्टर, सामान्य चिकित्सक और नर्स की कैटेगरी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने 3 महीने के लिए संविदा पर नियुक्त होने वाले इन कर्मियों के वेतन को भी तय कर दिया है। इसके अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सक पीजी को 7,000 रुपये एवं डिप्लोमा को 5,000 रुपये प्रतिदिन मानदेय मिलेगा, जबकि MBBS धारक डॉक्टर को 4,000 रुपये प्रतिदिन एवं BSc नर्सिंग को 2,000 रुपये, GNM को 1,500 रुपये एवं ANM को 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय देने का निर्णय लिया गया है। यह दर केवल कोरोना काल के लिए ही मान्य है। राज्य सरकार ने जारी की 13 यूनिवर्सिटी के लिए 3 महीने की राशि। बिहार सरकार ने राज्य के सभी 13 पारंपरिक विश्वविद्यालयों के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के वेतन और पेंशन के लिए 821,02,56,531 रुपये की राशि को जारी किया है। इसके साथ ही पूर्णिया विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षकों के बकाया मानदेय के भुगतान के लिए भी राशि को जारी किया गया है। इस राशि के जारी होने के साथ ही सभी 13 विश्वविद्यालयों और 260 अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को कोरोना काल में राहत मिलेगी। वहीं इससे सेवानिवृत्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी को भी पेंशन मिलेंगे। आपको बता दें कि इस राशि से इन विश्वविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को मार्च से मई तक 2021 तक का वेतन मिलेगा, तो वहीं रिटायर्ड शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को उनके सेवांत लाभ का भुगतान होगा। इसके अलावा इसमें गैर वेतन मद के भी पैसे हैं। निजी एम्बुलेंस द्वारा अधिक किराया लेने पर ऐसे करे शिकायत। बीते दिन ही बिहार सरकार ने कई जगहों से निजी एम्बुलेंस द्वारा मनमाना किराया वसूलने की खबर मिलने के बाद इसके किराए को तय कर दिया है। वहीं अब तय किए गए किराए से अधिक अगर निजी एम्बुलेंस वाले किराया लेते हैं तो इसकी शिकायत आप नियंत्रण कक्ष को कर सकते हैं, जिसके बाद उक्त एम्बुलेंस वाले पर कार्रवाई होगी। इसके लिए जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से नियंत्रण कक्ष का नंबर जारी किया गया है। इस नंबर पर निजी एम्बुलेंस और निजी अस्पताल में इलाज कराने के दौरान निर्धारित दर से अधिक राशि लेने पर सूचना या फिर आप शिकायत कर सकते हैं। नियंत्रण कक्ष के नंबर 0612221918 और व्हाट्सएप नंबर 6287590563 पर आप सूचना देकर जानकारी दे सकते हैं। इसके लिए नियंत्रण कक्ष की सुविधा 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहेंगी। वहीं निजी अस्पतालों में इलाज की दर को भी निर्धारित की गई है, जिसके तहत निर्धारित दर से अधिक वसूले जाने पर भी आप उक्त नियंत्रण कक्ष के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आयुष डॉक्टरों ने 15 मई से होम आइसोलेशन पर जाने का किया ऐलान। राज्य में बढ़ते संक्रमित मरीजों की संख्या की खबरों के बीच एक परेशान करने वाली खबर आ रही है। समान काम के समान वेतन सहित कई मांगों के साथ राज्य के सभी आयुष डॉक्टरों ने 15 मई से होम आइसोलेशन पर जाने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले ड्यूटी के दौरान वे 10 से 12 मई के बीच तक काला बिल्ला लगाकर सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये सभी आयुष डॉक्टरों की मांग है कि उन्हें संविदा पर बहाल एलोपैथ डॉक्टरों के समान 65,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाए। इसके साथ ही 3,270 पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने, संविदा पर बहाल सभी डॉक्टरों की स्थायी नियुक्ति करने, ईसाई डॉक्टरों व कर्मियों की तर्ज पर ही संविदा डॉक्टरों व कर्मियों की मृत्यु के बाद सभी को लाभ देने, मृत्यु को लेकर 50 लाख का बीमा, पारिवारिक पेंशन व एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने और संक्रमित डॉक्टरों के लिए सरकारी स्वास्थ्य संसाधनों में बेड और आवश्यक सुविधा आरक्षित करने की मांग की है। वहीं आयुष डॉक्टरों का कहना है कि राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बावजूद उन्हें 65,000 रुपये मानदेय प्रति माह नहीं दिया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में नहीं होगी ईद की नमाज। कोरोना महामारी के कारण पिछले साल की तरह इस साल भी कई त्योहारों के रंग फीके पड़ गए हैं। इस दौरान मुस्लिम धर्मावलंबियों का सबसे खास त्योहार ईद का जश्न भी लोग अपने अपने परिवार के साथ घरों में मनाएंगे। वहीं 15 मई तक बिहार में लगे संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर पिछले साल की तरह इस बार भी पटना के गांधी मैदान में ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इस बारे में ईदैन कमेटी गांधी मैदान ने नियमों और तमाम कानूनों का पालन करते हुए गांधी मैदान में सामूहिक नमाज नहीं करने का ऐलान कर दिया है। इस साल ईद 13 या 14 मई को होगी। आपको बता दें कि गांधी मैदान में ईद की नमाज साल 1925 से ही हो रही है। पिछले साल भी लॉकडाउन और कोरोना के खतरे को देखते हुए ईद की नमाज गांधी मैदान में नहीं हुई थी। वहीं इस बार भी लगातार दूसरी बार यहां सामूहिक नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। ऑक्सीजन संकट पर बिहार सरकार के मंत्री ने पत्र लिखकर दिया अनोखा सुझाव। बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने देश भर में ऑक्सीजन संकट को देखते हुए पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर एक अनोखा सुझाव दे डाला है। इस पत्र में उन्होंने ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए नीम, बरगद, तुलसी, पीपल तथा बांस के अधिक से अधिक पौधे लगाने का आग्रह किया है। मंत्री ने पत्र में लिखा है कि देश के साथ ही बिहार में भी जनमानस की जिंदगी को बचाने के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा वक्त भी आएगा कि ऑक्सीजन के लिए कतारों में लगना पड़ेगा, ऑक्सीजन के लिए जनप्रतिनिधियों से पैरवी करनी पड़ेगी, तो वहीं ऑक्सीजन के अभाव में लोगों की जानें भी चली जाएंगी। इससे सबक लेते हुए हम सभी को ऑक्सीजन देने वाले नीम, बरगद, तुलसी, पीपल तथा बांस के पौधे के प्रति विशेष अभियान चलाकर जागरूकता लाने की जरूरत है। लॉकडाउन होने से सुधा कंपनी
के दूध बिक्री में आई गिरावट। बिहार में लॉकडाउन का दंश आम लोगों के व्यापारों पर तो पड़ा ही है, वहीं दुग्ध उत्पादक की बड़ी कंपनी सुधा डेयरी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और इसका असर यह हुआ है कि बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ कॉम्फेड सुधा दूध की बिक्री में भारी गिरावट देखने को मिली है। वहीं सुबह 11 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति से राजधानी पटना में ही दूध बिक्री में 50% की गिरावट आई है, जबकि सामान्य दिनों में राजधानी में 4 लाख लीटर से ज्यादा दूध की बिक्री होती थी, वहीं अब दूध की बिक्री गिरकर 2 से 2.5 लाख लीटर रह गई है। इसे लेकर पटना डेयरी प्रोजेक्ट दूध उत्पादक संघ ने इस संबंध में विभागीय मंत्री को पत्र लिखकर सुबह और शाम दोनों समय दूध बिक्री की सुविधा शुरू करवाने की मांग करने की बात कही है। सुरेश रैना की मदद के लिए आगे आए सोनू सूद। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद जो महामारी की पहली लहर के बाद से ही देश भर में गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, वहीं उन्होंने बीते दिन गुरुवार को भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना की मदद के लिए भी आगे आए हैं। दरअसल सुरेश रैना ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट को पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में उनकी चाची के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की आपातकालीन आवश्यकता थी। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से खुलासा किया कि वह 65 वर्ष की हैं और फेफड़ों के गंभीर संक्रमण के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस ट्वीट में टैग किया था, जिसके बाद सिर्फ आधे घंटे के बाद ही सोनू सूद ने मरीज का विवरण पूछा और उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने में उनकी मदद की। देश भर में फिर से मामले हुए 4 लाख के पार। देश भर से कोरोना वेव आक्रामक बन चुका है। बीते 24 घंटे में तीसरी बार 4 लाख के पार मामले दर्ज हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,14,188 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं इस दौरान कुल 3,915 मरीजों की जान चली गई है। वहीं फिलहाल कुल एक्टिव केस देश में 36,45,164 हो गए हैं। वहीं अगर हम बात अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के बीते 24 घंटे में कुल 15,126 नए कोरोना के मामले आए हैं। वहीं इस दौरान कुल 13,366 लोग ठीक भी हुए हैं। इसके बाद बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या कुल 1,15,151 हो चुकी है। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 78.65% हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आपके आसपास लॉकडाउन का पालन सख्ती के साथ हो रहा है या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।